बच्चे को लेकर निजी अस्पताल से दो महिलाएं फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, मैं हूं नमिता शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बटाला के गुरदासपुर रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब दो महिलाएं 3 दिन के बच्चे को लेकर भाग गई। कहा जा रहा है कि लड़के को महिलाओं ने उठाया था। कुछ दिन पहले चीमा खुदी निवासी गोगी का गुरदासपुर रोड स्थित एक निजी अकाल अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और उसने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में सीसीटीवी नहीं है, सड़क पर लगे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि दो महिलाएं स्कूटर पर सवार होकर बच्चे को लेकर भाग गई। इतने दो जनी आईया वा तो आंदियां भी शनिवार तुहाडा बच्चा होया वा तो वह कित्थे आ, तो मैं भी साढ़े कोल शनिवार तो साढ़े कोल ही होया वा। मैनू आंदियां भी दे बच्चा टीका लाउणा, मैं इत्थे ला दो मैं नहीं देना। तो मेरे घर वाला इत्थे बैठा वा, मेरा ननान भैया बैठा तो वह दवाई लैन बनाउण चल गए मेरी। वो ननान मेरी ननान मैं अपने घर वाले नूं मैं भी तू भी जा मगर, वो मगर गया चवारा उस वेले। तो मुड़के मैं दीदी अपनी आवाज़ मारी, उन्होंने आँधी भी मैं भी टीका लवा ला, मैडम आई हैं उन्होंने को चुक के लै गए। तो जो टीकाकरण नहीं होंगे बच्चे का कार्ड, उन्होंने आँधी भी वह लैके आ, वो मेरे को कार्ड लैन लगियाँ तो बच्चा उस वेले उधर तो उधर ही लै गई, पर बाहर नहीं वो नहीं आई। एक ने पिंक जहा सूट पाया ही, काली चुन्नी ली, एक ने एक पतली ते एक मोटी थोड़ी। नहीं इन्नी नहीं गल पुछी मैं यो मैं दिंदी नहीं ना बच्चा, मैं बारो आवाज अपने घर वाले मरवाई ना भी बच्चे टीका लगना तू लवा लो। हाँ जी पुलिस आई बार की गई हूँ मैं बच्चा मिल जा, बच्चा चाहिए वा के लैन गए है, मैं लैना बच्चा तो हूं। पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपहृत बच्चे की मां गोगी और परिवार के सदस्यों सीता और अर्जुन ने कहा कि गोगी ने 3 दिन पहले बटाला के अकाल अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया था और आज उसे छुट्टी दी जानी थी, लेकिन कुछ देर पहले दो महिलाएं स्कूटर पर आई और कहा कि हमें नवजात बेटे को इंजेक्शन लगाना है और वो बेटे को कमरे से बाहर ले गई और बाद में दोनों महिलाएं मोपेड और बच्चे को लेकर भाग गई। इस मौके पर अस्पताल के फार्मासिस्ट गुरबाज सिंह और अस्पताल के मालिक प्रीतपाल सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए कहा कि महिला को छुट्टी दे दी गई थी और परिवार घर जाने को तैयार था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई गेट कीपर नहीं था और 6 महीने पहले अस्पताल के सीसीटीवी खराब हो गए थे और बाद में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र कुंडल गुरदासपुर की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੜਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਲੇਡੀ ਆ ਗਈਆਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੁਟੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਲੇਡੀਆਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫੜਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਰਬਾਨ ਖੜਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਲਾਗੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।